जांजगीर चांपा में हो रही चोरियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया जो घरों की रेकी करता था और फिर मौका देखकर सोने घरों को निशाना बनाता था। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां एसपी ने मामले का खुलासा किया। एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी कई बार चोरी के मामले में जेल जा चुका है, वहीं उसका कई थानों में वारंट है जिसके आधार पर यहां चोरी के माल को उसने जमीन में गाड़ कर रखा था। वहीं अब तक की बात करें तो 17 सोने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। आरोपी के कब्जे से कुल आधा किलोग्राम से ज्यादा सोना और लगभग 4 किलो चांदी बरामद की गई, वहीं जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आज इसके द्वारा दुर्गेश नाई को पकड़ा गया है जो कि बिलासपुर, इसके अलावा बिजुरिया, अनूपपुर और जबलपुर इसका रहने का स्थान था। और इसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पुरानी 17 चोरियों को इसने कबूल किया और उसमें लगभग सोने और चांदी के 30 लाख के माल बरामद हुए इससे। और इसकी जो है ये चांपा की सात चोरी, जांजगीर की चार चोरी, इसके अलावा कामगढ़, अकलतरा, सूर्यनारायण, बलोदा, इनकी चोरियों को भी इसने कबूल किया है। इसके अभी साथी फरार हैं, उनके लिए पुलिस प्रयास कर रही है और जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। किस तरह से चोरी करता था क्या? ये एक्चुअली एक कबाड़ी के रूप में, प्लम्बर के रूप में अपना घूमना और उसके बाद रेगी करना, और रेगी करने के बाद जो मकान सुनीघर का दिखता था उसमें वो समय देख के चोरी करता था। माल कितने का है सर? टोटल इसको लगभग 30 लाख के माल के इससे रिकवरी हुई।